भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान किए जाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में टीकाकरण की भी योजना प्रगति पर है। मुरादाबाद के सीएमओ कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रूबेला टीका और अन्य टीकों के बारे में चिकित्सकों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सेवा महासेवा है। भारत सरकार प्रदेश सरकार द्वारा सेवा प्रदान की जाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में पूरे प्रदेश के महानगर मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। इसी क्रम में मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित सीएमओ कार्यालय पर चिकित्सा विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा कहा गया कि एक्टिव केस फाइंडिंग वित्तीय वर्ष 2018-2019 का तृतीय चरण मुरादाबाद जनपद में दिनांक 7 जनवरी 2019 से 17 जनवरी 2019 तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान घर घर जाकर टीम में शहरों के संगठित रोगियों को चिन्हित करके तथा जांच के दौरान शहरों की पुष्टि होने पर 2 दिन के अंदर इलाज प्रमाण किया जाए। जनपद में 175 टीमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई हैं, जिनके सुपर जोन हेतु 35 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। आशा आंगनवाड़ी सहित 3 सदस्य कार्य करेंगे। इस मौके पर रूबेला टीके की भी जानकारी दी गई। कहा गया कि रूबेला टीके से स्वास्थ्य सेवा अच्छी प्रदान की जाती है। रूबेला टीका के फायदे बताते हुए चिकित्सकों ने जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से डीपीसी डॉक्टर मोहम्मद जावेद, पीपीएम मनोज कुमार, डीपीसीसी अनुज शर्मा, नरेश राणा, अंकुश शर्मा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीके प्रेमी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया का जो हमारा उद्देश्य है 7 से 17 जनवरी एक्टिव केस फाइंडिंग ईपी में जो सर्वे होना है, जो अभियान घर घर जाना है, हम हर अभियान में 10% आबादी का सर्वे करते हैं। जो ये भी चौथा राउंड है जिसमें हम एक्टिव केस फाइंडिंग घर घर टीम जा रही है, जिसमें हमारे 35 सुपरवाइजर हैं और 175 टीमें लगाई गई हैं। शहर में कितनी टीमें घूम रही हैं, क्या क्या चिन्हित कर रही है? हाँ, मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, 175 टीमें हैं और 35 सुपरवाइजर, पूरे मुरादाबाद की बात है। हमने क्या किया गया, इसका जो सर्वे किया गया 100% आबादी का सर्वे, अगर पहले राउंड में हमने कर दिया तो वहाँ नहीं करना है, दोबारा कर दिया, फिर फर्स्ट सेकेंड तीन बार 30% पॉपुलेशन कवर हो गई है। उससे पहले हम लास्ट ईयर भी कर चुके, हमारा उद्देश्य 100% आबादी को कवर करना। सर, वो तरीके के रोगी चिन्हित किए जा रहे हैं, इस तरह से जो भी टीबी के सस्पेक्ट पेशेंट हो गए, चाहे गले में गांठ हो, किसी को बुखार आ रहा हो, किसी को 2 सप्ताह से खांसी हो, किसी को वजन कम हो गया हो, खांसी में खून आ रहा हो, या जो भी है, उसके लिए हम संदिग्ध रोगी का टेली सीट पे उसका नाम लिखते हैं और नाम लिख के उसको स्पुटम कप देते हैं। स्पुटम कप के साथ में उसकी अगले दिन हम कलेक्शन करते हैं, उसकी जांच करके घर भिजवा देते हैं। अगर टीबी का कंफर्म पेशेंट है उसका हम इलाज घर पर शुरू कर देते हैं। सर, ये रूबेला टीका क्या है और क्या सॉल्ट है, किस काम में आता है? रूबेला जी, रूबेला एक वायरस इन्फेक्शन है जी, जो मेल से फीमेल को पहुंचता है, जिस वजह से जब भी शादी होती है उसके बाद में उसका पता चलता है, या तो पहला अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो अबॉर्शन होने के चांसेज है, अगर अबॉर्शन भी नहीं हुआ और ये इन्फेक्शन कंटिन्यू रहा तो फिर बच्चा अपंग होगा, विकलांग होगा, और विकलांग होगा। इसको मिटाने के लिए भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा MR टीके का इजाद किया गया है, जो MR टीका घर घर लगाया जा रहा है। अभी तक हमने स्कूल में पूरा किया है, अब आंगनवाड़ी केंद्र में कर रहे हैं। जो 9 महीने से लेके 15 साल तक लड़की या लड़का, उसको 100% MR लगना है, जिससे हम खसरा तथा रूबेला को मिटा सके। पिछले दिनों कई घटनाएं इस तरह की हुई जिसकी वजह से कई लोग बच्चों की मौत हुई, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको मुरादाबाद के बारे में बता दूं, मुरादाबाद में कोई घटना नहीं हुई है जिससे किसी बच्चे की डेथ हुई है। और एक चीज बता दूंगा, छोटा मोटा कहीं बीमारी है तो हमने किट दे देती है, अगर किसी को रिएक्शन होता है, कोई ऐसा सीरियस बच्चा नहीं हुआ। एक बच्चा जरूर जोन 4 से भर्ती हुआ था, जिसका मैंने हम लोगों ने सीटी स्कैन भी कराया, सारी जांच कराई, बच्ची 2-3 दिन भर्ती रही और बच्ची स्वस्थ है, कहीं कुछ किसी को नहीं हुआ।